डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेयरिंग स्कीम 2021 केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर की बताने जा रहा हूं। ठीक है, तकरीबन आप जो है तकरीबन अगर आप चार चैप्टर छोड़ भी देते हैं तो भी आपके जो है 85 नंबर आ सकते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के। ठीक है, और आपको एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आपको सारे ही चैप्टर करने पड़ेंगे। आप शॉर्ट क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, फिर भी आपके 85 नंबर आ सकते हैं। पेयरिंग स्कीम है 2021 की, कंफर्म है यही आएगी। कौन सी पेयरिंग स्कीम है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन आएगी उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। तो चले जी, पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पहले चैप्टर से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं दूसरे चैप्टर से, 4 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं तीसरे चैप्टर से, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आने हैं 9th चैप्टर से, 9th जो चैप्टर है ना उसमें से। तो देखा जाए अगर 4, 2 और 3, ठीक है, 4, 2, 6 और 6 और 3, 9, ठीक है, हमने 8 करने हैं, हमारे यहाँ पर 9 कंप्लीट हो रहे हैं। हम इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, ये चैप्टर लेंथी है। ठीक है, अगर ये चैप्टर हम छोड़ भी देते तो ये जो है कंप्लीट हो रहे हैं हमारे 9 क्वेश्चंस यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चौथे चैप्टर से 4 क्वेश्चन आने हैं, 5वें चैप्टर से भी 4 क्वेश्चन आने हैं, तो 4 और 4 8, हमारा ये भी पोर्शन कम्प्लीट हो गया। इसको भी हम छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसमें से 6 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन होने हैं, 7 चैप्टर से 2 क्वेश्चन होने हैं और 10th चैप्टर से 3 क्वेश्चन होने हैं। अगर हम इनमें से हमने 6 करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 करें तो 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 इसमें से 6 कम्प्लीट हो गए, ये चैप्टर हम छोड़ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आएगा, ये आप लाजमी करें। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 ये ए पार्ट जो है तीसरे चैप्टर से और बी पार्ट 5वें चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट 6 चैप्टर से और बी पार्ट जो है वो आएगा 7 चैप्टर से। ठीक है, इसके अलावा ये आप पेयर छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये जाएगा जी ए पहले। नंबर 9 की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 9 चैप्टर से, एक आता है 12 चैप्टर से, ठीक है, सॉरी 10th चैप्टर से। ठीक है, 10th चैप्टर से एक आएगा और एक 9th चैप्टर से आएगा, ये भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं। 1, 2, 3 ये 3 पेयर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, ये कर लें। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट भी बता दिए आपको, एमसीक्यूज भी बता दिए। एमसीक्यूज के लिए आप जो है पिछले जो है 5 साल पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है, उनसे आप एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर चले जाएँ, आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन के, तो वो भी आप लाजमी देख लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।